हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान मिशन की सीरीज के बारे में जानेंगे और पता लगाएंगे कि क्यों इसरो चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहा है, क्या चांद पर कुछ रहस्य है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला चंद्रयान मिशन 22 अक्टूबर 2008 को छोड़ा गया था, जिसमें सिर्फ ऑर्बिटर ही था, जिसमें कई इंस्ट्रूमेंट लगे थे। अनफॉर्चुनेटली ये मिशन 10 महीने ही चला। 29 अगस्त 2009 को हमारा कम्युनिकेशन चंद्रयान 1 से टूट गया, पर 10 महीने के इस टाइम में इसने इसरो को चांद के बारे में काफी जानकारियां दी। इस मिशन के बदौलत ही भारत चांद पर पानी खोजने वाला पहला देश बना। इस मिशन के ऑर्बिटर में एक मून इम्पैक्ट प्रोब भी था। इस प्रोब की चांद से टक्कर कराई गई, जिससे चांद के वातावरण और उसकी सतह के कंपोजिशन के बारे में काफी जानकारी प्राप्त हुई। इस मिशन के काफी समय बाद एक बार फिर इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन भेजा। ये मिशन पहले वाले मिशन से ज्यादा स्पेशल था, क्योंकि इस मिशन में केवल ऑर्बिटर ही नहीं था, बल्कि इसके अलावा इसमें लैंडर और रोबोटिक रोवर भी था, जिसका काम चांद की सरफेस और साउथ पोल की वाटर आइस को गहनता से अध्ययन करना था, जिसके लिए इसमें कई इंस्ट्रूमेंट्स और सेंसर लगे थे। इस मिशन को 22 जुलाई 2019 को श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। प्लान के मुताबिक इसके लैंडर को साउथ पोल के नजदीक साउथ पोलर रीजन पर लैंड करना था, किंतु दुर्भाग्यवश लैंडिंग के दौरान 7 सितंबर 2019 को हमारा कम्युनिकेशन लैंडर से टूट गया, जिससे लैंडर की क्रैश लैंडिंग हो जाती है। लेकिन ऑर्बिटर अपना काम अच्छे से कर रहा था। इस विफलता के बाद, या यूं कहे कि आधी सफलता के बाद, इसरो दोबारा चंद्रयान सीरीज का एक और मिशन चंद्रयान 3 13 जुलाई 2023 को लॉन्च करने वाला है। इस मिशन में भी चंद्रयान 2 की तरह ही ऑर्बिटर, रोवर एंड लैंडर है, पर इस बार के मॉडल की डिजाइन में चेंजेस किए गए हैं। इस मिशन का बजट 650 करोड़ है, जो कि काफी कम है, जबकि आदिपुरुष मूवी का बजट 700 करोड़ था। हमारी स्पेस एजेंसी बहुत कम बजट में काफी बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल करती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मंगलयान है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें तो इस लॉन्च का बेसब्री से इंतजार है, बस सब कुछ अच्छे से हो जाए यही प्रार्थना है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।